वेलकम लर्नर्स, आज हम बात करते हैं ऑल्ट्रिक्स की। तो ऑल्ट्रिक्स क्या है और इससे आपकी जॉब कैसे लग सकती है? सबसे पहले तो ऑल्ट्रिक्स जो है बहुत नया है इंडस्ट्री में, और इसके पहले तो मैं आपको वर्क फ्लो दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये एक मैजिकल टूल है आपके सारी डेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसको एक एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ETL टूल कहते हैं, जहाँ पर आप डेटा को किस तरीके से मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ये चैलेंज है जो कि ऑल्ट्रिक्स वेबसाइट से ही मिला था। हम देखते हैं कि ऑल्ट्रिक्स का वर्क फ्लो कैसे बनता है सिंपल। तो इस तरीके से कुछ ऑल्ट्रिक्स का वर्क फ्लो बनता है इन टूल्स के थ्रू। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन सारे टूल्स की और किस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता है ऑल्ट्रिक्स में। सारा प्ले इसी का है। तो इनआउट टूल क्या है, जो चार मेजर इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। प्रिपरेशन टूल्स में आप कौन सा यूज़ करते हो ताकि आप डेटा को फिल्टर कर सको, सॉर्ट कर सको, उनका सैम्पल ले सको, उसके बाद फिर उनको ज्वाइन करके आप आउटपुट ला सको, है ना? तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक देख लेते हैं वर्क फ्लो कैसा होता है ऑल्ट्रिक्स का। तो एक न्यू वर्क फ्लो बनाया है, इसमें आपको क्या करना है, इसको कैनवस कहते हैं, जहाँ पर हम अपना वर्क फ्लो बनाएंगे। तो जैसे मैंने एक इनपुट टूल लिया, ये टेक्स्ट इनपुट टूल और इनपुट टूल है जहाँ से हम डेटा लाते हैं। टेक्स्ट इनपुट टूल में आप जो है मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वांटिटी टाइप करा, यहाँ पर मैंने सेल्स टाइप कर दिया, यहाँ मैंने आइटम लिख दिया। मैन्युअली टाइप करने के लिए भी सही है, यहाँ मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। फर्स्ट लिखा मैंने क्वांटिटी, सपोज इसकी 12 क्वांटिटीज आई, सेल इसकी 1200 हुई, और ये आइटम जैसे पेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कुछ भी मैन्युअली डाल दूँ, और सपोज दिस इज पेंसिल, ये स्टेशनरी शॉप का डेटा सपोज मैं एंटर कर रही हूँ कुछ चीज़ें, और ये मैंने इसको दे दिया इनपुट, ठीक है, कंट्रोल आर करके रन होती है। अब इस वर्क फ्लो में ये दोनों चीज़ें रन हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा एरर आता है। तो जो भी आपके वर्क फ्लो में होगा सब रन होगा। तो ये जैसे एक डेमो है इनपुट डेटा का। इसको अगर मैं अब और प्रिपेयर करना चाहूँ तो मैं इसको जैसे सिर्फ फिल्टर कर सकती हूँ या फिर इसको सॉर्ट भी कर सकती हूँ। लेट्स टेक समेशन, जिसमें समेशन से क्या करूँगी, मैं ग्रुप बाय कर दूंगी। तो ग्रुप बाय से एक जस्ट सिंपल फटाफट आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे क्वांटिटी का सम ले लेती हूँ और आइटम से इसको ग्रुप बाय करके आपको आंसर दिखाऊँ तो क्या आता है, लेट्स सी। इससे मैंने सेल्स नहीं चाहिए मुझे, तो इसने बताया कि पेंसिल्स की 14 है और पेन जो है वो 12 है, ठीक है। इनकी सेल्स भी मैं निकाल सकती हूँ कि इनकी सेल्स कितनी है। इस हिसाब से आपके पास जो भी टास्क होता है डेटा से, आपको जो निकालना है वो उस तरीके से आप इन टूल्स का यूज़ करेंगे। मेजर इंपॉर्टेंट टूल्स जो कवर होते हैं इसके सर्टिफिकेशन में, जिसमें हम सर्टिफिकेशन की बात में दूसरे वीडियो में की है, और जो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सर्टिफिकेशन का मतलब कि आपको वो नॉलेज अच्छे से है। इनपुट डेटा में हम क्या करेंगे, इस टूल में आप कोई भी फाइल यहाँ से अपने डेस्कटॉप से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये वाली फाइल है, मैंने वो अपलोड कर दी, और फिर मैं जब इसके आउटपुट एंकर पर जाऊंगी तो ये मुझे रन करके देगा, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे आपको और एक्सप्लोर करना है उस डेटा के बारे में, तो आप राइट क्लिक करके ओपन एग्जाम्पल कर सकते हैं उस टूल पर। तो जब आप वो ओपन करेंगे तब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें ये बताएगा कि ये क्या है। यहाँ पर आप सेलेक्ट द शीट करते हैं इससे, और ये कौन सी इसने शीट ली है, एक्सेल शीट ली है या CSV ली है, उस बारे में ये पूरी आपकी जानकारी देगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको प्रिपरेशन टूल जैसे आपको पता लगाना है फॉर्मूला टूल क्या करता है, तो आपने यहाँ पर ओपन एग्जाम्पल कर दिया, ये आपको अच्छे तरीके से समझा देगा कि ये करना क्या है इसमें, ये क्या ट्यूटोरियल क्या आप बता रहा है। फॉर्मूला टूल में जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप रन करेंगे, तो ये आपका डेटा है कुछ, जहाँ पे कस्टमर आईडी, सिटी, डिजिट, स्पेंड, लैटिट्यूड है। अब इनने फॉर्मूला टूल से यहाँ पर क्या करा है, एक नई कॉलम ऐड कर दी है जिसका नाम है रिकॉर्ड सोर्स। वहाँ पर इन्होंने ऑल्ट्रिक सैम्पल डेटा सारे रोज में लगा दी, जोड़ दिया है। तो ये इन्होंने इस फॉर्मूला टूल से किया है, जहाँ से एक कॉलम बना दी। नेक्स्ट फॉर्मूला टूल से इन्होंने इनपुट दिया इसमें, इसको कहते हैं इनपुट एंकर। ये इनपुट सारा डेटा इस टूल में आकर आउटपुट दे रहा है हमको एक नया रीजन। उस रीजन की कंडीशन क्या लगाई है, इफ एल्स से यहाँ पर लगाई है फॉर्मूला में। एक नई कॉलम बनाई है इन्होंने रीजन, और यहाँ पर लिखा इफ लैटिट्यूड इज ग्रेटर देन 39.7 तो नॉर्थ, नहीं तो साउथ, और एंड इफ, ठीक है। ये जब हमने रन करा तो हमें ये आउटपुट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्क फ्लो डिजाइन होते हैं ऑल्ट्रिक्स में। अगर आपको साथ ही में सब कुछ करना है तो मल्टीपल कॉलम्स आप एक ही बार में ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
एक तो आपने रिकॉर्ड सोर्स बना दिया, एक आपने रीजन बना दिया, और साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने सिटी को, पहले अगर आप देखें यहाँ पर सिटी कैपिटल लेटर में है सारी, और यहाँ पर इन्होंने सिटी जो है वो स्मॉल लेटर्स में कर दी टाइटल केस से। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करा हमने डेटा डेटा पर फॉर्मूला टूल से। ठीक है, ये कुछ यूटिलिटीज बताई उन्होंने कि फॉर्मूला टूल आप किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, नई कॉलम लगा सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रिसोर्स है कोई भी टूल को पढ़ने की। आप फिल्टर टूल पढ़ सकते हैं ओपन फॉर्मूला करके, तो मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी से की थी, और सर्टिफिकेशंस भी मैं ले रही हूँ इसके, अभी रिसेंटली भी कुछ मैंने ले लिए हैं, और बहुत इजी सर्टिफिकेशंस हैं। आप भी ले लीजिए प्लीज, इफ यू आर वर्किंग, अगर आप डेटा एनालिसिस फील्ड में हैं और अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं, टूल से फेमिलियरिटी भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करेगी, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग भी है, टेक्स्ट माइनिंग भी है, कंप्यूटर विजन भी है, और हर तरीके से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए तो ये एक बून की तरह है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और पता होना चाहिए कि ये टूल कर क्या रहा है बस। इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल की क्वेरीज नहीं लिखनी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन, ये टूल क्या करेगा, और जो भी बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं ओपन एग्जाम्पल से और इनके कम्युनिटी चैलेंज चैलेंज से जो इनकी वेबसाइट्स पर है। ठीक है, इसकी मैं लिंक भी दे दूंगी कहाँ पे क्या मिलता है, और ये पूरे वर्क फ्लो आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी और बहुत अच्छे और फन तरीके से यू कैन लर्न कि ये हुआ क्या, आप क्या करा, लॉजिकल एक फ्लो, इसमें एक लॉजिकल फ्लो बना है जो कि बहुत इजी है बनाना जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना था कि सबसे पॉपुलर एक्टर कॉमेडी में कौन है, सबसे पॉपुलर एक्टर एक्शन में कौन है, कॉमेडी और एक्शन दोनों में कौन है, और उसका हाईएस्ट रेवेन्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए उस एक्टर से बात करनी है, तो वो वाला डेटा था ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप के सर्टिफिकेशंस की, कि ऑलरिक्स में आप कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और कौन से करने चाहिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से जॉब लग सके। ओके गाइस, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।